पूजा भारती और आप देख रहे हैं P3 न्यूज झारखंड। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन कर दिया गया है। ये लॉकडाउन 3 मई तक किया गया है और माह रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हो गया है। हर साल माह रमजान में लोगों के चहल पहल देखने को दिखता था, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के वजह से और लॉकडाउन के वजह से लोग जो है घर पे ही अपना इबादत कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है रांची के डेली मार्केट एरिया में, जहाँ पे हर वर्ष रमजान का मार्केट लगता है और लोगों की चहल पहल देखने को मिलती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते और लॉकडाउन के चलते ये एरिया जो है पूरा पूरी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग यहाँ पे इक्के दुक्के भी लोग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह कोरोना वायरस है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग जरूरतमंद लोग यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं, उसे प्रशासन समझा बुझा के घर भेजने का काम कर रही है और लोग भी इसमें काफी सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं प्रशासन का। घूमते जाइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? सर ये हमारा सोशल यहाँ के प्रभारी से बात करेंगे और जानेंगे कि लोगों को समझाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है और वो लॉकडाउन को सफल बनाने में कितने तरीके अपना रहे हैं। नमस्कार सर, सर आपको लोगों को समझाने में लॉकडाउन के पालन कराने में कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ठीक है, लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ रहे हैं, तो उनके लिए चलान का व्यवस्था किया गया, चलान कट रहा है उन लोगों का जो एक बार समझा रहे हैं। अगर दोबारा अगर उस चीज़ को नहीं समझ में आता है, अगर दोबारा भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं और बिना वजह अगर इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनको चलान काटा जाता है। रमजान का महीना शुरू हो गया है और इस मौके पर लोग को काफ़ी एसेंशियल सर्विसेज जो है प्रशासन के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो इसमें लोग सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इमरजेंसी नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं, उन लोगों को सर्विस दिया जा रहा है, होम टू होम सर्विस दिया जा रहा है, एकदम आपके दरवाजे तक सामान पहुंच रहा है। आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, उस नंबर से आपका सारा सामान वहां पे उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन इस पर पूरी ध्यान बनाएंगे। कुछ लोग जो है वो अनावश्यक रूप से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और एक दो लोग जो है वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो इसमें ऐसे लोगों के साथ आप क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? जो भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उसके लिए चालान का व्यवस्था किया गया, चालान काटा जा रहा है उनका, हर चौक चौराहे पर चालान काटा जा रहा है। जो अगर नहीं नियम का पालन कर रहे हैं, हम उनका सख्ती से पेश आ रहे हैं, उनका चालान काट रहे हैं। हमारे साथ संदीप जी थे जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका कहना है कि वो लगातार लोगों को समझाने का प्रयास करें कि इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और इस रमजान के महीने में एसेंशियल सर्विसेज भी प्रशासन के द्वारा जो है प्रोवाइड की जा रही है लोगों को, चाहे वो खाने की सामग्री हो या फिर खजूर हो या कुछ भी हो, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है प्रशासन। फिलहाल इस खबर में इतना ही है, आप बने रहिए P3 न्यूज़ झारखंड के साथ। मैं पूजा भारती।